आगामी विधानसभा की सरगर्मी बढ़ने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों के पर्यवेक्षकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य एवं सांसद डॉक्टर हनुमंथैया भी दुर्ग प्रवास पर पहुंच दावेदारी कर रहे प्रत्याशियों से मुलाकात की। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षकों का आना जाना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में अपने दुर्ग प्रवास पर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य एवं सांसद डॉक्टर एल हनुमंथैया सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उनसे मिलने बड़ी संख्या में आगामी विधानसभा चुनाव में दावेदारी कर रहे प्रत्याशियों ने मुलाकात की। इस मौके पर दुर्ग विधानसभा के कांग्रेस के दावेदारों व सदस्यों ने अपनी नाराजगी जताते हुए प्रत्याशियों ने बताया कि सांसद जी के आगमन की सूचना किसी भी प्रत्याशियों को नहीं दी गई और न ही उनके सर्किट हाउस में पहुंचने की जानकारी दी गई, जिससे नाराज प्रत्याशियों ने स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य एवं सांसद डॉक्टर एल हनुमंथैया से मुलाकात कर और नाराज दावेदारों ने कांग्रेस के सदस्यों ने पर्यवेक्षक को पुनः सर्वे करने का आवेदन प्रस्तुत किया। गए हुए हैं जिनकी सूचना हमें नहीं दी गई थी, दुर्ग शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन कहीं से दूसरे ज़िले से दूसरे दावेदारों के द्वारा पता चल चुका था कि प्रवेशक आ रहे हैं और बड़े ही सम्मानजनक तरीके से उनका स्वागत किया और मुलाकात भी हुई, हमारी बातों को सुने भी और समझे भी कि जो आगामी चुनाव है उसमें किस तरीके से नए शहरों को टिकट दिया जाए या फिर पुराने शहरों को भी देते हैं तो किस तरीके से हम एकजुट होकर चुनाव को जिताएंगे और दोबारा भूपेश सरकार बना के भूपेश बघेल जी की सरकार बनाकर 75 पार का जो वादा है पूरा करेंगे। लेकिन साथ में ही एक सारे दावेदारों को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच एक नाराज़गी है कि जिस तरीके से जो है जब ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को फॉर्म जमा करना था उस समय थोड़े से कुछ मिसगाइड किया गया, साथ ही पर्यवेक्षक के आने की सूचना किसी के द्वारा दावेदारों को नहीं मिल रही है। कई बड़े नेता हैं जो दुर्ग के दिग्गज नेता हैं, चाहे वो पिछला वर्ग आयोग के अध्यक्ष आर्यन वर्मा, उपाध्यक्ष आर्यन वर्मा जी और राज्य मंत्री दर्जा या राजेश यादव जी और सभापति, ऐसे कई बड़े नेताओं तक को भी किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जा रही है। इस बात की हम शिकायत प्रदेश अध्यक्ष जी को दे रहे हैं, उसके जो उचित कार्रवाई हो और वही डिसाइड करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसके माध्यम से सूचनाएँ नीचे लेवल पर नहीं आ रही हैं। भुवनेश कुमार साहू, कांग्रेस कार्यकर्ता, दुर्ग विधानसभा से दावेदारी। दुर्ग सर्किट हाउस पहुंचे कर्नाटक के सांसद व छत्तीसगढ़ प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर एल हनुमंथैया ने सभी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर अपनी दावेदारी कर रहे प्रत्याशियों से बारी बारी मुलाकात की और उनका आवेदन लिया। वहीं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत दुर्ग शहर, दुर्ग ग्रामीण, पाटन, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमित्रा एवं नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ नेताओं सहित क्षेत्र के कांग्रेस जनों से मुलाकात कर रायपुर के लिए प्रस्थान करे। इसी संबंध में कांग्रेस से ही जुड़े पदाधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी। एक प्रोसेस होता है पार्टी का आवेदन के बाद, हर विधानसभा चुनाव के पहले पहले आवेदन होता है ब्लॉक अध्यक्ष को, उसके बाद पर्यवेक्षक आते हैं, पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट जो है पीसीसी को पेश करते हैं, पीसीसी उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई करती है टिकट वितरण की। मैं दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से विधानसभा प्रत्याशी हेतु मैंने भी आवेदन किया है, पिछले बार भी किया था और 2013 में भी किया था। अब वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, हर बार पर्यवेक्षक आते हैं और हर बार जो है तीन तीन लोगों की कमेटी बनती है। पिछले बार तो तीन लोगों की जो कमेटी बनी ही थी और टिकट वितरण हुआ था उसी तीन लोगों में से, उसके विरुद्ध जाके एक माननीय सांसद जी तामराधर साहू जी को टिकट दे दिया गया था, तो कुछ भी हो सकता है। इस बार क्या कहना चाहेंगे, क्या हो सकता है? अब इस बार तामराधर साहू जी तो है ही हैं, गृहमंत्री हैं, देखते हैं उनका टिकट काट पाते नहीं काट पाते। हमारे ऑब्जर्वर हैं, पर्यवेक्षक हैं कर्नाटक के डॉक्टर मुथैया जी, ये कर्नाटक से एमपी भी हैं। आज चुनाव की प्रक्रिया कांग्रेस में अब शुरू हो गई है, लोगों ने हर विधानसभा वार अपने ब्लॉक अध्यक्ष को आवेदन भी कर दिए हैं टिकट के लिए। अब जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी के, उसके तहत ऑब्जर्वर नियुक्त होते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी नियुक्त होती है, तो उसी के लिए ऑब्जर्वर जो है हमारे यहाँ आए हुए हैं और दुर्ग लोकसभा के ऑब्जर्वर हैं। दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत 9 विधानसभा आते हैं, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा जो आते हैं उसके लिए आए हैं और यहाँ पर बारी बारी विधानसभा वार लोगों से जानकारी ली जा रही है और सब अपना अपना जाके अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, साथ ही वो अपनी बातें भी रख रहे हैं और बिल्कुल सब कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हो रहा है और सब इसी में शायद आज दुर्ग रेस्ट हाउस में बैठ के चल रही है। मैं भी आया था, मैंने भी आवेदन किया है दुर्ग शहर के लिए और वैशाली नगर के लिए,
तो मैंने भी अपनी बात रखी है और मैंने भी कहा है कि अगर मुझे टिकट दी जाती है तो मैं जीतूंगा, क्योंकि मैंने भी कांग्रेस के लिए 25 साल से बहुत संघर्ष किया है, अनेकों बार जेल गया हूं, बहुत आंदोलन किया हूं, पार्टी के हर कार्यक्रम में रहा हूं। अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक खुद चला हूँ, तो इस कारण मैंने भी आवेदन किया है और मैं ऑब्जर्वर को संतुष्ट भी कर रहा हूँ कि अगर मुझे टिकट दी जाती है तो मैं चुनाव भी जीतूं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।